अक्षय कुमार बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। पिछले 3 सालों में OMG 2 को छोड़ दे तो उन्होंने कोई बड़ी हिट फिल्में नहीं दी है। हाल ही में अक्षय बड़े मियां छोटे मियां में नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में शुरुआत अच्छी की, लेकिन एक हफ्ते बाद ही फ्लॉप हो गई। इससे पहले अक्षय कुमार मिशन रानीगंज लेकर आए थे, यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बीच अब एक्टर ने अपनी एक और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उनकी यह फिल्म 7 साल पहले आई फिल्म का अगला पार्ट है। दरअसल अक्षय कुमार ने जॉली LLB 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2013 में आई थी, जिसमें अरशद वारसी मुख्य भूमिका में थे, जिसका निर्देशन सुभाष कपूर ने किया था। इस फिल्म की शानदार सफलता के बाद सुभाष कपूर साल 2017 में अक्षय कुमार के साथ जॉली LLB 2 लेकर आए। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की थी। दोनों फिल्मों की सफलता के बाद अब जॉली LLB 3 लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग को 2 मई से शुरू कर दिया गया है। जॉली LLB 3 में इस बार अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी भी नजर आने वाले हैं। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अक्षय और अरशद दोनों जॉली LLB के रोल में दिख रहे हैं। वहीं जज के रोल में नजर आ रहे हैं सौरभ शुक्ला। बता रहे हैं कि जॉली LLB 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। हालांकि यह फिल्म कब रिलीज होगी इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।